कॉमेडियन कपिल शर्मा, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर लोगों को खूब हंसाया है, अब उनकी बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कपिल की बायोपिक की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि कपिल की बायोपिक का नाम फनकार है। इस फिल्म में कपिल के फैंस को उनकी लाइफ से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग किस्से देखने को मिलेंगे, जिन्हें फैंस नहीं जानते। इस खबर को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर के साथ शेयर किया। इस फिल्म का निर्देशन फुकरे बना चुके मृगदीप सिंह लांबा करेंगे, जबकि निर्माण महावीर जैन कर रहे हैं। फिल्म की स्टार कास्ट का ऐलान अभी नहीं किया गया है। कपिल शर्मा ने बतौर कलाकार एक लंबा और संघर्षपूर्ण सफर तय किया है। स्टैंड अप कॉमेडी शो से शुरुआत करने वाले कपिल ने अपने नाम का शो शुरू करने से पहले खुद भी कई कॉमेडी रियलिटी शो में हिस्सा लिया था। उन्होंने 2015 में रिलीज हुई फिल्म किस किस को प्यार करूं से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। हालांकि दर्शकों ने उन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर ज्यादा प्यार दिया है। फिलहाल इन दिनों वह अपने कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो से दर्शकों को गुदगुदाते नजर आ रहे हैं। अब कपिल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपना शो लेकर आ रहे हैं, जिसका शीर्षक कपिल शर्मा आई एम नॉट डन येट है। यह स्टैंड अप कॉमेडी शो है जिसमें कपिल अपने किस्से कहानियों से हंसाएंगे। INS रिपोर्ट।